यार कसम से मजा आ गया, एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज और इतने सारे लोकेशंस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और जैसा कि आप जानते हैं अपने एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आपसे रूबरू होता हूं और बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का सही तरीका क्या है, वैकेंसी कहां से आती है, इंटरव्यू कैसे दें, इंटरव्यू कैसे क्लियर करें और ढेर सारी वैकेंसी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिगो एयरलाइंस में वैकेंसी के बारे में। दोस्तों अभी इस वीडियो से दो वीडियो पहले मैंने बताया था इंडिगो में जो वैकेंसी आ रखी थी रैंप स्टाफ के लिए, जिसमें लोड एंट्री रिक्वायरमेंट था। और दोस्तों अभी जो वैकेंसी आ रखी है उसमें एक दो नहीं बल्कि 17 से 18 जगह के लिए वैकेंसी आ रखी है। और सबसे बड़ी बात, इस वैकेंसी में उन सब जगह के लिए वैकेंसी है जिसके रिगार्डिंग आप लोग पूछ रहे थे कि सर वहां कब वैकेंसी आएगी, वहां कब वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों कुछ भी अगर आपको पूछना, समझना, जानना हो, अगर कोई डाउट हो, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना हो या फिर अप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो, तो वीडियो कमेंट में कमेंट करें या फिर मुझसे जुड़े मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया, मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया, दोनों में से किसी पे आप क्वेश्चन करें उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। पॉइंट नंबर 2, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लेते हैं, जालसाजों से बचें, फ्रॉड से बचें। और पॉइंट नंबर 3, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इतनी सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, आपको हमेशा अपडेट मिलता है। तो दोस्तों आइए बताता हूं आपको कि इंडिगो में वैकेंसी कहां-कहां के लिए है और आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक डाल रखा है अप्लाई का, वहां से, और नहीं तो क्रोम ब्राउजर पे या किसी और ब्राउजर पे आकर आप टाइप कीजिए इंडिगो का साइट और वहां पे आप क्लिक करने के बाद आएंगे जिस साइट पे, वो होगा दोस्तों इंडिगो की वेबसाइट। दोस्तों यहां देख पा रहे हैं यहां पर 22 यानी कि 22 वैकेंसीज फिलहाल रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जो कि सिक्योरिटी स्क्रीनर फीमेल, जो कि दरभंगा, दुर्गापुर और गया के लिए है। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी है वो है रैंप लोड एंड ट्रिम LO या स्कीपर के लिए, और ये है कोलकाता, भुवनेश्वर और ढेर सारे स्टेशन के लिए। इसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। अगली जो वैकेंसी है आप देख पा रहे हैं ऑफिसर एग्जीक्यूटिव रैंप के लिए है, और ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बाद बाकी वैकेंसीज भी हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हैं जो जाकर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इस वाली वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो ये जो पोजीशन है सिक्योरिटी स्क्रीनर फीमेल की है, और ये है मेन रिक्वायरमेंट है कि आपका जो स्क्रीनर है वो वैलिड होना चाहिए। जो डेजिग्नेशन होगा वो एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी AOCS, जो कि सेकेंड पोजीशन होता है इंडिगो में। नीचे से एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपका जितना भी जॉब डिस्क्रिप्शन है ये सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या फोकस करना है, क्या आपकी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये सारा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप फीमेल हैं और सर्टिफाइड स्क्रीनर हैं तो ट्राई कीजिए। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों रैंप लोड एंड ट्रिम LO या स्कीपर के रिगार्डिंग, यहाँ भी सेम सिचुएशन है दोस्तों। पोजीशन है रैंप लोड एंड ट्रिम LO स्कीपर के रिगार्डिंग। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपका ये जितने भी सर्टिफिकेशन से आपको वैलिड होनी चाहिए, और आपको ये एग्जीक्यूटिव AOCS इन द रोल ऑफ रैंप, यानी कि रैंप पे आपको, रैंप वाले डिपार्टमेंट पे आपको काम करना होगा, ग्राउंड स्टाफ का एक पार्ट होता है। एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान देने की है, ये जो सर्टिफिकेशन है एविएशन के ही मान्य होंगे, यानी कहीं और से अगर आपने कर रखा है तो नहीं चलेगा। क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए, इंडिगो हमेशा ग्राउंड स्टाफ में ग्रेजुएट प्रेफर करता है। और अगर बात करें अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, तो दोस्तों ऑब्वियसली जो हमने बात कर रखा था फ्लाइट के आने से पहले, जाने के बाद, और जितने भी सारी चीज़ें हैं, लोडिंग कहाँ होगा, लोडिंग किस तरह से होती है, कार्गो कहाँ लोड होगा, बहुत सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान देने की होती हैं। अगला जो डिटेल्स है दोस्तों दैट इज ऑफिसर एग्जीक्यूटिव रैंप, एंड अगेन आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वही आ रखी हैं, वैलिड लोड एंड ट्रिम होल्डर या फिर स्कीपर, और ये सारी की सारी चीज़ आपको वैलिड होनी चाहिए। यहाँ भी आपको काम वही आ जाता है कि जो भी आपको रिक्वायरमेंट है दैट इज गोइंग टू बी सेम एज द रैंप स्टाफ। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आई एडवाइज यू, इतनी प्यारी और इतनी सॉलिड वैकेंसीज कभी नहीं आ सकती हैं दोस्तों। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाद बाकी आप ये जो देख पा रहे हैं रिमेनिंग जो वैकेंसीज हैं यहाँ भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, या फिर अपने किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर्स को आप एडवाइस कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको दो ऑप्शन है, ऊपर देख पा रहे हैं कैंडिडेट लॉगिन और दूसरा है कैंडिडेट साइनअप। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कीजिए, और जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी और उसका जो पासवर्ड, यानी इंडियो के लिए जो पासवर्ड आपने बना रखा था, उसको आप करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं आपका लॉगिन हो जाएगा और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैंने अपना यहाँ पर लॉगिन कर दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अभी मैं फिलहाल इसको लॉग आउट करूँगा, आपको दिखाऊंगा जो दूसरा पार्ट है जहाँ पर आपको, अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है।
तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो क्लिक कीजिए कैंडिडेट साइनअप पे। यहाँ पर आकर आप देख पाते हैं साइनअप करना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा, ऊपर आपको फर्स्ट नेम डालना होगा, उसके बाद जो आपका लास्ट नेम है वो डालना होगा, कोई ईमेल आईडी जिस पे आप मेल चाहते हैं वो डालिए, और अपने मन से कोई दूसरा पासवर्ड, जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो मत डालिएगा, कोई दूसरा पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आप साइनअप पे दोस्तों क्लिक कीजिए। जब आप साइनअप पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उस वहाँ पर जाकर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना होगा। यहाँ पर एक इशू और आता है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो लॉगिन के नीचे पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर कर रखा है उसको डालकर आप जब आप सेंड मी इंस्ट्रक्शन कीजिएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, वहां से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा कि अगर आपने रजिस्टर कर रखा है और अप्लाई करना है आपको तो क्या करना है, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके नेट के कनेक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर पेज जो ओपन होगा वो कुछ ऐसा होगा। वहाँ पे सबसे नीचे या फिर सबसे टॉप राइट में आपको अप्लाई का बटन दिखाएगा, क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल आ जाएगा, अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ईमेल आईडी और जो सारी चीज़ें हैं उसका फिलअप कीजिए। अगर आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है नॉट अप्लीकेबल डाल दीजिए। जो आपका फ़ोन नंबर है, जो आपका रिज्यूम है उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए, वो पीडीएफ में होना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर दें। सारे डिटेल्स को बड़े ध्यान से आपको फिलअप करना है। जिप कोड में आपको जो पिन है, आपको एरिया का पिन वो डाल दीजिए, कंट्री है ऑब्वियसली इंडिया होगी, जेंडर है मेल या फीमेल वो डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो आप डालिए आप। इसके बाद आपका जो पैन कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड है वो डाल दीजिए, एडिशनल जो डिटेल्स हैं आपके क्वालिफिकेशन की, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है वो डाल दीजिए, कहाँ से आपने किया है, जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है वो डाल दीजिए, कब से कब तक आपने किया है वो डाल दीजिए। फिर आपको नीचे वर्क एक्सपीरियंस में डालना है कि कंपनी का नेम क्या था जहाँ आपने काम किया है, कहाँ पर काम किया था, लोकेशन डेजिग्नेशन क्या था, सारी डिटेल करने के बाद अगर आप ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं तो आई करंटली वर्क हियर कर दीजिए। फिर आप नीचे आइए, जो आपको बाकी डिटेल्स वो आपको डालनी होगी, जो एडिशनल डिटेल्स हैं वहां पे जो आपने जब किया था उसके रिगार्डिंग, आर यू ये कंट्री आई आपके लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर आप डाल दीजिए नॉट अप्लीकेबल फॉर मी। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगर आपका किसी रेफरेंस के थ्रू हो रहा है, किसी ने आपको एडवाइस कर रखा है, किसी ने आपकी सलाह दे रखी है, तो उसके रिगार्डिंग सारा करने के बाद आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके सबमिट बटन पर जो ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपका सारा फॉर्म सही से फिलअप होगा, डिटेल्स फिलअप होगा तो आपको सबमिट हो जाएगा, नहीं तो इस तरह का रेड बटन आएगा, जहां जहां आपको रेड दिखा रहा है वहां पर आप उसको पूरा कर लीजिएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट करें वीडियो में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने चेक कर लिया होगा कि यहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है किस तरह से, लेकिन दोस्तों अप्लाई करने से पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, अपना रिज्यूम जरूर चेक कर लीजिएगा कि रिज्यूम सही हो, क्योंकि रिज्यूम के बेसिस पे ही ये डिसाइड होता है कि आपके पास कॉल आएगा कि नहीं, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं। तो रिज्यूम कैसे बनाएं उसके लिए ऊपर जो आई बटन में वीडियो देख पा रहे हैं उसे जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपका रिज्यूम आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। रिज्यूम भेजने के बाद अगर आपके पास कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, अगर आपको जाना होता है इंटरव्यू के लिए तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें और बाद बाकी जानकारी के लिए राइट वाले वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।